हैप्पी दिवाली फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सुबह से वीडियो स्टार्ट किया मैंने अपना और ये मंदिर साफ कर रहे हैं। दिवाली वाले दिन सुबह का काम इनका सबसे पहले ये होता है मंदिर साफ करना। तो पूरा मंदिर आज अच्छे से उतार के क्लीन कर देंगे, क्योंकि वैसे क्लीन तो करते रहते हैं पर ना जब दिवाली होती है तो उतार के साफ करते हैं अच्छे से। शुभ दीपावली मैंने दरवाजे पे लगा दी, बाकी सब तैयारियां भी कर ली जो भी मुझे करनी थी। अभी मार्केट जाके आई थी मैं और सामान जो रहता था वो सब लेके आई हूँ। और आज मैंने सूट ही पहना, साड़ी नहीं पहनी, क्योंकि तबीयत ना ज्यादा खराब हो रही है, इस वजह से कुछ भी नहीं ढंग से कर पा रही। मैंने सोचा कोई बात नहीं, इस बार सूट ही ठीक है तो सूट में ही मैं पूजा कर लूंगी, क्योंकि ना बोला भी नहीं जा रहा, आवाज भी मेरी इतनी ज्यादा खराब हो रही थी, आपको आवाज से पता चल ही रहा होगा तो इस वजह से। और अभी ये शाम का झाड़ू पोछा कर रही हूँ मैं, क्योंकि सुबह तो मैंने कर दिया था, पर अभी यहाँ इस वाले रूम में पूजा होगी ना, इस वजह से चौकी लगाएंगे नीचे, तो ये वाला कमरा साफ कर दूंगी और पोछा लगा दूंगी दोबारा। उससे पहले ये पूरे घर में गंगा जल छिड़क देंगे, क्योंकि आज दीपावली के दिन सारी चीजें अच्छी होनी चाहिए ना, तो उस वजह से जिस तरीके से करते हैं तो उसी तरीके से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ हर बार। तो ये दीवार पे लक्ष्मी की फोटो लगा रहे थे और सारी तैयारी इन्होंने कर ली थी, मैं किचन का काम कर रही। कैसे हो आप सब लोग, और आप सब लोगों को मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी दिवाली। तो अभी मैंने शाम के टाइम से वीडियो शुरू किया, क्योंकि आज पूरा दिन ना टाइम ही नहीं लगा और मैं चली गई थी रेखा दीदी के घर पे, और भी कहीं गई थी जहाँ मतलब ना तो वीडियो बनाने का टाइम लगा, क्योंकि जाते हैं ना तो बस बातों में ही लग जाते हैं, टाइम ही नहीं लगता और भूल भी जाती हूँ मैं तो वीडियो बनाना, इसलिए फिर मैंने अभी आके वीडियो स्टार्ट किया अपना। और अभी करेंगे पूजा, और पूजा की तैयारी करेंगे, वहाँ पे सामान सारा लगाएंगे और जो भी चौकी सी लगानी होती है वो सब लगा लेंगे। तब तक मैं बनाऊंगी खाना, क्योंकि लेट भी हो रहा, वहां से आए ना तो टाइम ज्यादा लग गया, तो बस मैं फटाफट से खाना बनाऊंगी जब तक ये अपना पूजा का सामान सारा सेट कर लेंगे, और उसके बाद करेंगे पूजा। पूजा का मुहूर्त कब है अभी मैंने देखा भी नहीं, क्योंकि हर बार ये टीवी पे देख लेते हैं, या तो देख लेंगे या फिर ऐसे ही अंदाजे से कर लेंगे। वैसे हर बार टीवी पे बता ही देते हैं पूजा किस टाइम की है, तो उसी टाइम के अकॉर्डिंग कर लेते हैं हर बार। तो चलिए अब बनाते हैं फटाफट से खाना। कितने हुए पानी को दे दो बड़ा सा दे। मैं दिए भिगो रही हूँ, क्योंकि जब तक पूजा करेंगे ना तो दिए भीग जाएंगे, इनको फिर निकाल के भी रखना है। सारे दिए इसमें पतीले में डाल के भिगो दूंगी, और जब तक ना अच्छे से भीग जाएंगे फिर निकाल के सुखाने भी है, क्योंकि फिर ना टाइम लग जाएगा, इसलिए मुझे याद आ गई कि पहले दिए भिगो दूँ, ये तो मेरे ध्यान ही नहीं थे। तो वरना मुझे पता होता ना तो मैं इन्हें दोपहर में ही भिगो देती जैसे मैं लाई थी तभी। मैं भी किचन में अपना खाना बनाने की तैयारी कर रही थी, फिर कर भी नहीं पाई, फिर ये कहने लगे सारा सामान लगा। अच्छे से लगाने के बाद सामान के सारा सामान लगा दिया, पहले पूजा कर लो, पूजा का टाइम भी हो रहा है।
नहीं आएगा, न्यूज पेपर पर रख दो। एक दंत दया बंद चार भुजा धारी मस्तक सिंदूर सोहे मुसे की सवारी मस्तक तू भगवान हो ना सिंदूर सोहे मुसे की सवारी जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा अंधन को आँख देवे कोढ़िन को काया अंधन को आँख देवे कोढ़िन को काया बांझन को पुत्र देवे निर्धन को माया बांझन को पुत्र देवे निर्धन को माया जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा पानी चढ़े फूल चढ़े गौर चढ़े मेवा लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा सुल्तासन में आए सुफल कीजे सेवा जय गणेश देवा लक्ष्मी माता की पढ़ते जरा पहले तो पहले जलाते थे जी दिए और ये फिर ये बुध लक्ष्मी माता की दी है लक्ष्मी माता यहां तो पढ़ दे लक्ष्मी माता की स्टार वाली है ना ऊंची वाली है लक्ष्मी माता बीच में आ मैया जय ये वाली बहुत अच्छी लगती है माता तुमको निस दिन सेवत मैया जी को निस दिन सेवत लिरिक्स मॉडल लिखे नहीं है वो भी गाड़ी में दाता मैया जय लक्ष्मी माता उमा रमा ब्राह्मणी स्वामी तुम्हें मैया तुम्हें ही जग माता सूर्य चंद्रमा धावत सूर्य चंद्रमा धावत नारद ऋषि गाता मैया जय लक्ष्मी माता दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता मैया सुख संपत्ति दाता जो कोई तुमको दाता जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि धन पाता मैया जय लक्ष्मी माता तुम पाताल निवासिनी तुम ही शुभ दाता मैया तुम ही शुभ दाता करो हाँ और जला भी दिया आज ही लग रहा है पीछे कर उसे ये तो सारे लग गए हैं वहाँ पे भी ये वाला पीस अट्रैक्ट कर रहा है मुझे ये वाला नहीं कर रहा नहीं ये अच्छी लग रही है सबसे टेस्टी ये अच्छी लग रही है और इस बार दिए मैं नहीं रख पाई गुड्डू गुड़िया ने ही रख दिए थे क्योंकि मैं अपनी पूजा कंप्लीट कर रही थी कई सारी आरती पड़ी ना मैंने तो उसमें टाइम लग गया
और बस पूजा करने के बाद मैं बना रही हूँ खाना। तो मैंने इसमें कुछ खड़े मसाले डाले हैं। मैं बना रही हूँ मटर पनीर की सब्जी। तो इसमें मैंने जीरा, लौंग और बड़ी इलायची, हरी इलायची, दालचीनी सब डाल के इसमें प्याज डाल दी और इसे भी अच्छे से भून लूंगी। और ये वाली रेसिपी तो मैंने आप लोगों के साथ कई बार शेयर की है। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आप लोगों से एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।